बीमा का जो व्यवसाय है, लाइफ इंश्योरेंस की जो एजेंसी है, इस जो व्यवसाय में हम जीवन बीमा के जो व्यक्ति के व्यवसाय में है, ये व्यवसाय हां का व्यवसाय नहीं है, ये ना का व्यवसाय है। हम चाहते हैं हां सुनना, इसीलिए सफल नहीं होते। आपको ना सुनना, जितना ना सुनेंगे उतना सफल हो जाएंगे। ये नो का व्यवसाय कैसे है? मान लो ये 10 कस्टमर है, कौन है ये? ये 10 लोग है, ये 10 व्यक्ति है, और इनके माथे पे लिखा हुआ है यहां पे, मैं बीमा नहीं लूंगा, LIC में ब्याज बहुत कम है, मेरे घर में पहले से एजेंट है, मेरा CA मना कर रहा है, मैं पॉलिसी लूंगा, मैं पत्नी से पूछ के बताऊंगा, मैं बीमा खरीदूंगा, LIC में ब्याज बहुत कम है, प्राइवेट का सस्ता है और बैंक में ज्यादा फायदा है, ऐसे माथे पे लिखा हुआ है। मान लो आप, अगर आप बीमा करने निकले भाई साहब, आप बीमा करने निकले, माथे पे लिखा है कौन लेगा और कौन नहीं, तो आप सबसे पहले किसके पास जाएंगे? आप तुरंत देखेंगे सर लेने वाला कौन है इसमें से, ये इसके पास जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि माथे पे नहीं लिखा है, हेलो, लेकिन इतना पता है कि इन 10 में से कोई 3 लेगा, हेलो, 10 में से कोई 3 लेगा, लेकिन वो 3 कौन है ये जानने के लिए दसों के दसों को मिलना पड़ेगा। चलो अब गेम क्या है, खेल क्या है हमारे धंधे का, ये किसका व्यवसाय है? ये ना का व्यवसाय है। हमारे धंधे का खेल क्या है, हमारे धंधे का गेम क्या है, हमारे धंधे की खूबसूरती क्या है, हमारे धंधे की ब्यूटी क्या है? मैं इनके पास गया, चाहे इनके पास गया, मुझे नहीं मालूम कौन लेगा, लेकिन चाहे ले या ना ले, बोलो, हमको 500 मिलेगा। LIC के धंधे में हां का भी पैसा मिलता है, ना का भी पैसा मिलता है। जैसे मैं इनके पास गया, नमस्कार सर आप बीमा लेंगे? बोले नहीं लेंगे, 500 मिल गया। आप बीमा लेंगे? नहीं लेंगे, आई लव यू, 500 मिल गया। बीमा लेंगे? नहीं लेंगे, मेरे पत्नी मना कर रही, कोई बात नहीं, 500 मिल गया। वो टेंशन में रहेगा, सारा इसको 500 कैसे मिल रहा है, मैं तो मना कर रहा हूं, हेलो। क्योंकि देखो ये 10 लोग हैं, कितने लोग हैं? 10 में अगर 3 लोगों ने बीमा लिया, कितने ने? 1-1 लाख रुपए का, बोलो, तो 5,000 15,000 प्रीमियम आया, कितना आया? 15,000 में हमको कितना मिला? 5,000 रुपीज आया, 5,000 रुपीज मिला, तो 10 आदमी से मिले तो 5,000, हेलो, तो 1 आदमी से मिलने का 500। कोई बात नहीं सर, आप कहा या मत कहा, LIC हमको 500 देगी। वो खुद सारे टेंशन में रहेगा कि मैं सर बीमा भी नहीं करा रहा हूं, इसको पैसा कैसे मिल रहा है। इसके आज के बाद किसी को भी फोन करो, सर नमस्कार मैं आपसे मिलना चाहता हूं बीमे के लिए। नहीं सर, खाली मिल लो, लो या मत लो, LIC हमको 500 देगी। एक एजेंट का फोन आया, बोले सर जब से आपने ट्रेनिंग दिया है मैं डरता वरता नहीं हूं, मैं हर आदमी को मिलता ये सोच के कि 500 मिलेगा, 500 मिलेगा। सर एक पार्टी ने, हम एक पार्टी को फोन किया कि सर आप मिल लीजिए, चाहे आप बीमा ले, हमको 500 मिलेगा। तो पार्टी बोलती है 250 हमको दो। जब हमारे मिलने से तुमको पैसा मिलेगा तो 250 हमको दो। मैंने उसको बोला समझाओ एक बात कि सर एक काम करिए, आप उससे मिलिए और आप मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर के पास या CLIA के पास चलिए और आप भी एजेंसी लीजिए और आप भी 10 लोगों से मिलिए, आपको 250 नहीं 500 मिलेगा।
इतना इजी थोड़ी ना है, इतना इजी नहीं है। अच्छा बाबा बताइए, आपके शहर का सबसे बेहतरीन जो डॉक्टर्स की फीस कितनी है? 500। कितना पढ़ाई किया होगा, कितना लंदन अमेरिका पढ़ा होगा, MBBS MD MS क्या क्या पढ़ाई किया होगा, करोड़ों रुपया खर्चा किया होगा तब एक पेशेंट को देखने का। हाई स्कूल वाले एक पेशेंट वो बेचारा कितना मेहनत किया है तब 500 कहा था। अपने तो खाली शक्ल देखने का पैसा मिलता है। इसीलिए जिंदगी में सब लोग एक बार मिल के मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए जीवन बीमा में, जीवन बीमा में हां का भी पैसा मिलता है और ना का भी पैसा मिलता है। ये ना का व्यवसाय है, ये तो मांगने से मिलता है, बोलने से मिलता है। बहुत प्यारी बातचीत, एक बार जोरदार ताली से सभी लोगों के लिए।